बार्बर फ्री हेयर कटिंग भिखारी। बलराम का पिता रामदास अचानक से मरने के वजह से बलराम और उनकी माँ आर्थिक रूप से बहुत नीचे गिर गए थे। एक दिन माँ बलराम से, एक बार तुम्हारे पिता ने हमें बिना बताए बहुत कर्ज लिए थे, लेकिन वो कर्ज हमारे परिवार के लिए नहीं लिए थे। वे बहुत दयालु थे, इसलिए कोई भी आकर उनका मुश्किल कहने से मैं हूँ ना कहते हुए उधार करके उनका जरूरी पूरा करते थे। ऐसे उनका कर्ज बहुत बढ़ गया और उनको अभी तक नहीं चुकाने की वजह से उधार वाले आकर दुकान को बेचकर मिले हुए पैसे उन लोगों में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे कहकर अच्छे से ही बोल के गए थे। अब तक तो हम उस दुकान पर निर्भर करके जी रहे थे, लेकिन कल से कैसे जीना है ये सोचकर डर लग रहा है बलराम बोली। तब बलराम, तुम चिंता मत करो माँ, मैं पैसे कमा कर तुम्हारा देखभाल करता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई करते समय स्कूल से वापस आते आते रास्ते में पिताजी का दुकान में जाकर पिता का काम ध्यान से देखता था। कभी कभी जब भीड़ रहता था तब पिता मुझे भी काम सीखना है कहकर मुझे भी काम सिखाए थे। मैं किसी न किसी बार्बर शॉप में काम ढूंढ लेता हूँ माँ, कहा। ऐसा न्यू बॉम्बे बार्बर शॉप में बलराम को काम मिला था। वो शॉप का ओनर नीलकंठा बलराम से, तुम रामदास के बेटे हो कहकर तुम्हें काम दे रहा हूँ, वो तो बहुत बोला इंसान है, लेकिन क्या फायदा है, अच्छा आदमी है और दयालु स्वभाव का है कहकर केवल नाम बच गया है। वो नाम किसी काम का आया है क्या? तुम लोगों को सड़क पर गिरा दिया है, अब कम से कम तुम ध्यान से काम करके तुम्हारा माँ का देखभाल करो, कहा। तब बलराम, ठीक है सर, कहा। ऐसे बलराम काम अच्छा कर रहा है कहकर नीलकंठा ने जान लिया और उस शॉप में रेगुलर कस्टमर्स बलराम के लिए आकर इंतजार भी करने लगे। एक दिन बलराम जब शॉप जाते समय बहुत गहने से बड़ा हुआ बाल वाला एक लड़का को शॉप में लेकर आया। उसे अच्छे से हेयर कट करके हाँ बहुत अच्छा से कम किया है, फिर 2 महीने के बाद आना कहकर उसे भेज दिया। उसे देखकर नीलकंठा, कौन है वो, तुम्हारा रिश्तेदार का बेटा है क्या, पूछा। तब बलराम, नहीं सर, वो बच्चा इस सड़क के कोने पर एक पेड़ के नीचे उसका विकलांगता बहन को बिठाकर उस सेंटर पर भीख मांग रहा था। उसे देखकर बहुत दया लगा है सर, इसलिए इधर लेकर आया हूँ। उसे मिले वाले 20 या 30 रुपए में वो हेयर कटिंग कैसे करवाएगा सर, जब कोई कस्टमर्स नहीं रहते हैं, उसी समय पर उसको लेकर आया हूँ सर, बस, कहा। तब नीलकंठा, ठीक है देखो कस्टमर्स आ रहे हैं, अब काम पर लग जाओ, कहा। और एक बार पुराना गंदा और फटा हुआ साड़ी में घने घने बाल रहने वाली एक पागल औरत को उधर लेकर आया। कुर्सी में बिठाकर उस औरत का बाल को अच्छे से कम करके कटिंग किया। तब नीलकंठा, अरे कौन है वो औरत, सिनेमा हॉल के पास बहुत बार देखा था उसे, कहा। तब बलराम, बेचारी ये दीदी तो पागल है सर, इसका ये हालत देखकर कुत्ते उनका पीछे पड़कर भौंक रहे थे तो वो उनको काटते हैं शायद कहकर इधर लेकर आया हो सर। बाल अच्छा कम करके कटिंग किया तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगी और होटल वाले और शॉप वाले कुछ न कुछ खाने के लिए देते है ना सर, कहा। तब नीलकंठा थोड़ा गुस्सा होकर, देखो बलराम, ऐसे सड़क पर पागल लोगों को और भिखारी वालों को लाकर कटिंग किया तो मर्यादा से रहने वाले कोई भी आएंगे क्या हमारे शॉप को, थोड़ा सा भी सोच नहीं सकते हो क्या, कहा। तब बलराम सर झुकाकर, मुझे क्यों पता नहीं है सर, ऐसे इन शराबग्रस्त लोगों को देखने से बहुत दुख लगता है सर, चाहिए तो मेरा वेतन में से पैसे काट लीजिए सर, कहा। तब नीलकंठा सर पकड़कर मन में, अरे इसको कैसे कहने से समझ में आता है, काम से निकालेंगे सोचे तो काम तो बहुत बढ़िया करता है, इसके लिए आने वाले कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, इसको कब बुद्धि मिलेगी कि क्या है, सोचा। एक बार सर पर घने बाल बड़ा हुआ बहुत दाढ़ी भी बड़ा हुआ एक 50 साल का बूढ़ा आदमी को लाकर शॉप में बिठाकर उसे कटिंग करने के लिए तैयार हुआ। तब नीलकंठा आकर, बलराम हमारा शॉप को अच्छा नाम मिल रहा है और तुम्हारा काबिलियत के लिए बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, इस शॉप का ओनर होना मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, इस शॉप को लगाकर कल तक 25 साल होते हैं, इस खुशी के मौके में मैं अखबार में एड दे रहा हूँ, तुम्हारा फोटो भी एड में छपवाता हूँ, कहकर एक फोटो लेकर, ये तो कटिंग से पहले और फिर कटिंग के बाद फोटो लेता हूँ तो बिफोर आफ्टर कहकर पेपर में एड डालता हूँ, ऐसे खुशी से कहा। ऐसे उस आदमी का हेयर कटिंग होने के बाद भी एक फोटो लिया था नीलकंठा।
अगले दिन उनका शॉप में एक फोन आया। वो फोन में सुनकर नीलकंठा हैरान रह गया और फोन कट करके बलराम से, बलराम मैंने जो कल फोटो लिया था ना, वही तुम कल एक बड़ा आदमी को कटिंग किया था ना, वो आदमी खुद आया था या फिर तुम उनको कहीं से लेकर आए थे? पूछा। तब बलराम, सॉरी सर, वो आजकल म्युनिसिपल पार्क में घूमते हुए सबसे मैं कौन हूँ कहकर पूछ रहा था, तो सब लोग छी छी जाओ जाओ कह रहे थे, तो मुझे दया लगकर उनको लाकर थोड़ा अच्छे से हेयर कटिंग किया, तो कह रहा था। इतने में नीलकंठा, अरे तेरे घर में सोने का बारिश बरसे, वो आदमी मुकुंद लाल शाह कहकर बहुत बड़ा करोड़पति है, कल पेपर में फोटो देखकर उनके घर वाले फोन किए थे, उनका सर को चोट लगकर सब कुछ भूल गया है और घर से चला गया था, 3 महीनों से उनके लिए वे सब लोग ढूंढ रहे थे, कह रहा था। तभी बाहर एक कार आकर रुका, उसमें से 2 आदमी नीचे उतरकर अंदर आए। एक, हम मुकुंदलाल शाह के बेटे हैं, हमारा पिताजी आपका शॉप में आकर कटिंग करवाए थे ना, उनका एड्रेस कहाँ है जरा बताइए प्लीज, पूछा। तब बलराम, मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ, कहा। ऐसे नीलकंठा भी उनके साथ जाने लगा। ऐसे बलराम उनको उसका घर में लेकर गया। उधर बैठा हुआ उनका पिता को दिखाया। मुकुंदलाल के बेटे उनको थैंक्स कहकर बलराम को 25 लाख दिए थे और वे मुकुंदलाल को लेकर उधर से चले गए। तब नीलकंठा, एक कहावत है कि भगवान अच्छे लोगों को बहुत भला ही करता है, तुम्हारा पिता का अच्छाईपन और तुम्हारा दयालुपन तुमको भाग्य लेकर आए हैं, अब जाकर सुकून से जियो, कहा। तब बलराम, सर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा सर, आपके पास ही काम करूंगा, मुझे और भी जरूरतमंद लोगों को कटिंग करना है, उसमें ही मुझे संतुष्टि और खुशी मिलता है सर, कहा।